नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि OLX पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, OLX पे खाता कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आप OLX पे कोई भी सामान बेचना चाहते हैं या फिर कोई भी सामान OLX से खरीदना चाहते हैं तो आपको OLX पे अकाउंट क्रिएट करना होता है, आपको OLX पे खाता बनाना होता है। आप बिना OLX पे अकाउंट क्रिएट किए ना तो कोई सामान सेल कर सकते हैं और न ही कोई सामान OLX से आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों OLX में अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में OLX इंडिया पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। अगर आप अपने फ़ोन में OLX इंडिया नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर में जाके ये ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब OLX इंडिया का अकाउंट क्रिएट करने के लिए OLX को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। OLX ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप तीन तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप ईमेल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक आईडी के जरिए भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ईमेल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना, क्योंकि ईमेल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना सबसे आसान होता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू विथ गूगल पे। अब यहाँ पे आप अपने फ़ोन में जितने भी ईमेल आईडी से लॉगिन होते हैं उन सभी का यहाँ पे डिटेल आ जाता है। अब जिस ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को आप सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे इस वाला ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस ईमेल आईडी पे। यहाँ पे आपको अपना लोकेशन सेट करना होता है। आप चाहें तो अपना लोकेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट करवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपना लोकेशन मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देने से आपका लोकेशन ये ऑटो फाइंड कर लेता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अराउंड मी पे और यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देना होता है OLX को। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा अलाउ पे। अब यहाँ पे लिख रहा है कि OLX अब हिंदी में भी है। अगर आप OLX की लैंग्वेज को हिंदी में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा बदल दे पे, लेकिन मैं इसे इसी तरह से छोड़ना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश में यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ इसे। अब कट कर देने के बाद आपके अकाउंट में कुछ सेटिंग करना होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा अकाउंट पे। अकाउंट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी में जो नेम होता है वो नेम यहाँ पे आ जाता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे इतना स्टेप कंप्लीट कर चुका हूँ, सिर्फ अकाउंट क्रिएट होने में 2 स्टेप अब बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे व्यू एंड एडिट प्रोफाइल पे और यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना होगा एडिट प्रोफाइल। यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं या फिर आप किस चीज़ को सेल करना चाहते हैं अपने बारे में आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपकी पहले से मौजूद होती है। अब यहाँ पे दोस्तों फिलहाल मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर खाली छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है शो माय फोन नंबर इन ऐड। अगर आप इसे यहाँ से ऑन कर देते हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, जो भी प्रोडक्ट को बेचेंगे, आपका नंबर उस ऐड में दिखलाई देगा। अगर यहाँ से आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे, आपका नंबर फिर नहीं दिखलाई देगा। लेने वाला व्यक्ति आपको मैसेज के माध्यम से सिर्फ कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपके फ़ोन में OPT आता है। मेरे फ़ोन में OPT आ के ये वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे चाहे तो आप अपना फ़ोटो सेट कर सकते हैं, वही एक स्टेप यहाँ पे ये बचा हुआ है। और अब आपका OLX इंडिया का अकाउंट बनके कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं होम पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐड दिखलाई देंगे। आपके नज़दीक की लोकेशन पर जितने भी ऐड होंगे वो सभी यहाँ पर दिखलाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों समझ गए होंगे कि कैसे OLX इंडिया में अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।